आए हुए हैं। भैया जी बैठ जाइए, हल्का कम कर दीजिए, सीटी ना मारे बस, और बाकी आप उसमें जुटे हैं, बैठ जाइए आराम से, खाइए, हमें मालूम आप बेनती हैं। हेलो हेलो, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। कहते हैं स्वरों की प्रदायिनी माँ देवी माता सरस्वती, जिसकी अगर कृपा ना हुई तो कलाकार गाना तो दूर एक शब्द बोल नहीं सकता है। बिल्कुल बेटे। तो मैया आज की रात हम दोनों कलाकारों पर अपना वरद हस्त बनाए रखे हैं, और बहुत ही अच्छे हमारे जो कि यूट्यूब चैनल पे छाए हुए हमारे बड़े भैया, जिनका केएस म्यूजिक, जिसके हमारे प्रोपराइटर हमारे संजय भैया जी, आपको भी हृदय से नमन है, बहुत दूर से आप आए हैं, आपका भी स्वागत है। और क्या, और एक मेरा छोटा भाई है, उसने भी जिद की कि आज हम भी चलेंगे भैया, अभी तुमने कहा चलो तुम भी चलो, छोटा भाई सीख रहा है अभी, अब संजय भैया सिखाएंगे उसको। और क्या, सुनेगा ओम रामात्मा पर ब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यस बोध प्रभावेण सो सयामि भवारिदिम ये ओम नमो नित्यं परमहंसं गुरुं श्री चंडिकायै नमो नमः। ओम नमो जानवी पांडो सिद्ध पीठम बक्सरम श्री चंडिका मंदिरम नमः। ओम नमो नित्यम समाधि गुरुम नमो नमः शोभन मृत नंदनम। ओम नमो गुरुजनम देवम ईशम नमा शोभन मंदिरम। अय माँ, अय माँ, कहा गया कि भक्तों की सदा बिगड़ी बनाई है आपने दादाजी, भक्तों की सदा बिगड़ी बनाई है आपने, भटके हुओं को राह दिखाई है आपने, है बड़ा सहारा के दर्शन कभी दिखा दोगी, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दबा दोगी। तो भक्त कह रहा है मैया मैया माँ पूर्ण कामना हो, बढ़िया बहुत अच्छे बेटे, दियो सुरेंद्र Thank you.
बेटू भैया क्या बात है, क्योंकि माँ ये बात बस यही रहने दीजिए, क्योंकि माँ साधकों के खातिर मैया व्यवस्थित करके दे रहा हूँ। और क्या, अभी मेरे गाने के बाद सभी व्यवस्थित हो जाएंगे, फिर आराम से इसके बाद कार्यक्रम चलता रहेगा। और क्या, फिर आवाज नहीं बढ़ानी पड़ेगी माइकों की। साधकों के खातिर मैया बनाई है साधना, माने साधकों के खातिर साधना तो बना दी, साधकों के खातिर मैया बनाई है साधना। साधना ना साधन बने, ऐसा ना हो कि आपकी साधना ही साधन बन जाए, कमाने का जरिया बन जाए, कि अरे तुम्हारे भूत आ रहा है उतरवा लो। तो आए माँ साधकों के खातिर मैया लागी है साधना, साधना ना साधन बने, सिखा देना साधना, साधना ना साधन बने, सिखा देना साधना। हमेशा ही साधकों की, हमेशा ही साधकों की सफल साधना हो माँ, पूर्ण कामना हो माँ, पूर्ण कामना हो माँ, पूर्ण कामना हो माँ। सजीवा शरारती कह रहा है, क्या क्या कह रहा है बेटे, भावना में भावना, अगर भावना में भाव नहीं है, किंचित मात्र भी भाव नहीं है, भावना में भावना तो भावना बेकार है। ये कहते हैं भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भाव से जो इनको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। क्यों, भावना में भावना, भावना बेकार है, भाव से जो इनको भजे भाव से बेड़ा पार है। जब भाव से बेड़ा पार है तो माँ, अरे दुर्भावना का कभी, दुर्भावना का कभी माँ प्रभावना, और जो लोग बैठे हैं आराम से व्यवस्थित हो जाएं। भैया जी हमिंग देख लीजिए, सही है, आप उसमें उंगली ही कर रहे हैं तब से, मान जाइए, एक बार सेट कर दीजिए, बस बैठ जाइए आराम से, सही है, आराम करिए थोड़ा, आप बहुत मेहनती हैं। बताइए, इतना अच्छा बोला था शुरू में, स्टार्ट में बहुत अच्छा बोला, ये नहीं बोलना चाहिए।
हेलो 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 हेलो, पढ़ाइए थोड़ा, पढ़ाइए इसको। हेलो हेलो हेलो, कलेजा फट जाता है गाने में, आप जान हो हमारी। सात नंबर वाली अनवरत कार्यक्रम चल रहे हैं सभी कलाकारों के, सही हम लोग, और आप, आपने अगर गड़बड़ कर दिया तो सारी रात हम लोग गड़बड़ रहेंगे। सही, हम लोग तो दिन में भी करके आए। तो कहना है बस सीटी पर विशेष ध्यान दें, बैठ जाइए। कहाँ जा रहे हैं सुखरा जी, बढ़िया। हेलो, कहना है माँ, प्रार्थना ही प्रार्थी का, प्रार्थना है, प्रार्थना से ही प्रार्थी अपने दिल का उद्गार प्रकट करता है। माँ प्रार्थना ही प्रार्थी का उद्गार होता, प्रार्थना से प्रार्थी का अरे उद्धार होता, प्रार्थना से प्रार्थी का उद्धार हो। प्रार्थी शरारती, प्रार्थी शरारती की सफल प्रार्थना हो माँ, कामना जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये भगवान भोलेनाथ का पावन पर्व महाशिवरात्रि का कार्यक्रम रखा गया है, जो सुंदर सा कार्यक्रम हमारे भैया सचदेवा जी ने प्रारंभ कर दिया है अपनी ओर से। मुझे भी आदेश मिला है, उस आदेश को शिरोधार करते हुए जागेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण की पावन रज को अपने माथे पर अंकित करते हुए भगवान गणेश माता सरस्वती का आवाहन कर रही हूँ। आवाहन की श्रृंखला में आवाहन कर रही हूँ भगवान भोलेनाथ के आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का, आवाहन की श्रृंखला में आवाहन कर रही हूँ बाबा बजरंगबली, भगवान गणेश माता सरस्वती सृष्टि के समस्त देवी देवताओं का आवाहन है। आए हुए हमारे तमाम सुनने वाले भैया दद्दा लोग सभी को एक साथ नमन वंदन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। दूर दूर से पधारे हमारे कीर्तन प्रेमी बंधु, कीर्तन कलाकार, एक साथ मैं सभी को हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम की श्रृंखला में प्रणाम कर रही हूँ जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय सम्माननीय बड़े भैया, भैया श्री विधायक जी, भैया श्री सतीश शर्मा जी, विधायक दरियाबाद, आपको भी हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है मंच के माध्यम से। मंच के माध्यम से नमन वंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सम्माननीय बड़े भैया, भैया श्री दिनेश सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख, आपका भी हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है मंच के माध्यम से। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक है हमारे माननीय सम्मानी बड़े भैया, भैया श्री पंकज सिंह चौहान जी उर्फ हमारे, वह हमारे सम्मानी बड़े भैया, भैया श्री राजू शुक्ला जी, सम्मानी बड़े भैया श्री
मनोज दत्त पांडे जी, आपका भी हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रहे हमारे देवी स्वरूपाएं माताएं बहनें उपस्थित हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सभी को हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार है। नमन वंदन की श्रृंखला में नमन वंदन कर रही हूँ जो दोनों कलाकार के बीच में आज हमारे जो तीसरे कलाकार हैं भैया श्री, जो सुंदर से ध्वनि विस्तारक ऑपरेटर महोदय जी, आपका भी हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। और क्या, आप एक ऐसे कलाकार हैं, अगर आपकी कलाकारी में कलाकारी है तो हम कलाकार सफल है, बाकी बेकार है नहीं तो। और का बेटे, स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ। आज का कार्यक्रम रिकॉर्ड करने आए हमारे माननीय सम्मानी बड़े भैया भैया श्री KS म्यूजिक, हमारे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री संजय भैया जी, आपका भी हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। और एक भाई और आए हैं जिनका नाम नहीं जानती, आपका भी हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। नमन वंदन की श्रृंखला में आज के संपूर्ण रात्रि जो सहयोग करेंगे हमारे छोटे भाई भैया हमारे सचदेवा सरारती जी, आपका और आपके कुशल साथियों का हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है मंच के माध्यम से। शाबाश। नमन वंदन की श्रृंखला में नमन वंदन कर रही हूँ आज जो हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे माननीय सम्मानीय दादा दादा श्री सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी, आपका भी हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हमारे मंच आसीन हमारे बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष बड़े भैया श्री देवेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू भैया, आपका भी हृदय से स्वागत है, नमन वंदन है मंच के माध्यम से। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ हमारे बड़े भैया भैया श्री वीरपाल भाई जी बैठे हैं मंचासी ने, बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन वंदन है, स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री उत्तम उमंग जी, आपका भी हृदय से स्वागत है मंच के माध्यम से, आशीर्वाद की कामना है। तो लीजिए आपके समक्ष उपस्थित है और ये हमारे भैया श्री दिग्विजय सिंह प्रत्याशी सदस्य जिला पंचायत वाणी कोटर चतुर्थ, आपने समिति के लिए 2100 रुपए प्रदान किए हैं, समिति के कोई भी भाई आकर ले जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो ले चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे भैया श्री दिग्विजय सिंह भैया। और ये सम्मानी भैया भैया श्री सुरेंद्र मिश्रा जी प्रत्याशी जिला पंचायत क्षेत्र वाणी कोडर, आपके माध्यम से 201 पत्र मुद्राएं भेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और लीजिएगा अपनी ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ एक निवेदन के साथ, रात्रि भर में हम बच्चों से नादानी से जाने कितनी त्रुटियां होगी, आप लोग अपना जानकर अपने कृपा प्रसाद से हम बच्चों को क्षमा करेंगे क्षमा करेंगे। तो आइए इसी आशा विश्वास के साथ उपस्थित है ये बुंदेलखंड की सबसे सबसे छोटी पार्टी नीलम विश्वकर्मा एंड पार्टी छतरपुर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड।
बराबर एक जैसे ही रखना, बार बार कम हो जाता है। बोलिए भगवान की जय, प्रेम से बोल दे शंकर भगवान की जय, प्रेम से बोल दे विष्णु भगवान की जय, प्रेम से बोल दे प्रजापिता ब्रह्मदेव की जय, प्रेम से बोल दे कन्हैया लाल की जय, प्रेम से बोल दे लखन लाल की जय, प्रेम से बोल दे सरस्वती मैया की जय, प्रेम से बोल दे लक्ष्मी मैया की जय, प्रेम से बोल दे पार्वती मैया की जय, प्रेम से बोल दे गायत्री मैया की जय, प्रेम से बोल दे गंगा माता की जय, प्रेम से बोल दे पूर्ण अन्नपूर्णा माता की जय, प्रेम से बोल दे गौ माता की जय, प्रेम से बोल दे भारत माता की जय, प्रेम से बोल दे सभी देवताओं की जय, प्रेम से बोल दे सभी माताओं की जय, कारा माई शेरावाली रा बोल साचे दरबार की जय।
सोफा सेट है, किचन सेट है, दिमाग भी अपसेट है, लेकिन अगर आपका सेट हो जाएगा तो बिल्कुल अपसेट है, तो बिल्कुल जल्दी सेट कर दीजिए भैया। आप लोग प्रसाद लेते रहिए, बैठे भी रहिए, चूंकि इधर व्यवधान आया है, तब तक जो है कभी कभी लिखा रहता है कि सावधान आगे पुलिया कमजोर है, संभल कर चलिए। आगे पुलिया हमारे दुर्गा साहब है, सो साहब आगे पुलिया कमजोर है, संभल कर चलिए। तो हम उनको सुझाव देते हैं कि अगर पुलिया कमजोर है तो धीरे धीरे मत चलिए, और जोर से चलिए, पता नहीं कब पुलिया टूट जाए। तो जल्दी से भैया सेट कर दे। चिड़िया वाली बात आई, गांव में चिड़िया को हमारा ससुर भैया हमारे साथ रहिए, और हमारे केएस म्यूजिक के भैया संजय जी आप नई खोज लेकर के आएंगे, जब तक ये सेट हो रहा है हमारा अभी चालू करिएगा। और हमारी माताएं बहने हैं सबके चेहरे पे हंसी ना आ जाए, और अंत में लाइन में ताली ना आ जाएगी तो हमारी चिड़िया का कहना बेकार जाएगा। आप सभी लोग देखे, हे भैया जहाँ देखा हुआ बा चिड़िया, हे भैया जहाँ देखा हुआ बा चिड़िया, बाबा जी का भागवत सुनावत है चिड़िया, चिड़ई का कथा सुनावत है चिड़िया, अद्रा धान पुनर्वस पैया, गवा किसान जो बोइस चिड़िया, ऊपरा का टांग के है परी बा चिड़िया, एक बूंद खातिर मुहा बाए बा चिड़िया, पिंजरा में राम राम रटत है चिड़िया, आवे मेहमान तो बतावत है चिड़िया, मनई के भाग्य विचारत है चिड़िया, पूत 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 रटत है चिड़िया, तो चुप 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 कहत है घरैया, बाबा जी दिवाली में खरीदा थे, जोर से बोलो बच्चों, बाबा जी दिवाली में खरीदा थे चिड़िया, ब्याहे में मनाए मगाली बा चिड़िया, प्रभु जी घरे का चिड़िया दिए गोरे में चिड़िया, और अपन देश भारत बा सोने के चिड़िया। एक जोरदार तालियां फिर से, कि घरे के चिड़िया दिए गोरे में चिड़िया, बाबा जी दिवाली में खरीदा थे चिड़िया, और अपन देश भारत बा सोने के चिड़िया। सभी लोग जोरदार, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। सही, सभी से निवेदन है, एक बार सभी को प्रणाम कर रही हूँ, सभी से आशीर्वाद की कामना है, जय हो। हमारे समिति के सभी भाइयों से आशीर्वाद की कामना है, बिल्कुल बेटे, सभी श्रोता बंधुओं से, माताओं बहनों से सभी से आशीर्वाद की कामना है। आइए अपनी ओर से कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हूँ, भगवान भोलेनाथ के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए। तो आइए, एक निवेदन है, जब भी कोई कलाकार खड़ा होता है अपनी प्रस्तुति देने के लिए, तो सबसे पहले माता सरस्वती का आवाहन करता है, क्योंकि सुरों को देने वाली माता सरस्वती ही है। अगर माता सरस्वती की कृपा नहीं है तो गाना तो अलग बात है, बोलना कठिन होता है, इसलिए नहीं तो गले का टैटू बन जाता है। यही निवेदन है कि देखिए, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का दरबार लगा है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सभी भक्त हैं, तो भगवान भोलेनाथ के दरबार में सभी भक्त एक साथ जाएंगे, भगवान भोलेनाथ को मनाएंगे और माता रानी की वंदना भी करेंगे, ताकि वो वंदना हम आप सबकी तरफ से हो जाए, भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर हो जाए। तो आइए, सभी से निवेदन है, माताएं बहनें भी बैठी हैं, हमारे सभी भाई बैठे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब सब लोग इतने मन से सुन रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी आप लोगों ने सुना है हमारे भाई सचदेवा जी की तरफ से। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल, वो तो खुद ही एक सचदेवा है। आइए, मैं अपनी ओर से भेंट कर रही हूँ माता भवानी के चरणों में छोटी सी वंदना। इसके पहले भगवान भोलेनाथ के सुपुत्र बाबा गजानन का आवाहन करते हैं। हे
गजानन बाबा हाँ। आप जहाँ कहीं भी हैं और क्या भक्तों की प्रार्थना सुनकर आप मंच पर पधारे ताकि भक्तों का ये कार्यक्रम सफल हो सके और क्या बेटे कहना है क्या कि गणराज तुम्हारी महामहिमा पद पंकज शीश नवाते रहे तो रस रंग करे इतनी विनती विन विघ्न ही हरि ध्याते रहे नित मंगल मोद मनाते रहे के गुण गाते रहे क्या बात है बार बार प्रणाम है भगवान गजानन स्वामी के दर्शन चरणों में बार बार प्रणाम है कहना है क्या प्रणाम कर रही हूँ उस शक्ति को जिसने हम पे वो मंच पर बैठना उठना बोलना सिखाया है तो कहना है क्या बात है कि गुरुवर मोहिना विसारियो चाहे लाख जने मिल जाए कि मौसम तुमको लाख है पर तुम सम मोको ना बार बार प्रणाम कर रही हूँ गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी खरेला उत्तर प्रदेश जय हो माता रानी से निवेदन है कि हे माँ हर भक्त जाता है आपके दरबार में कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाता है लेकिन भवानी मेरे हाथ दोनों खाली हैं बस आंखों में एक आशा है कि माता रानी से जो भी भक्त कुछ मांगता है माँ देती है तो वही आस लेकर मैं भी आ गई माँ और यहाँ जब उस मंच को मैंने देखा तो पाया क्या क्या बेटे यहाँ इतना विद्वान समाज बैठा है माता रानी मैं कुछ नहीं जानती तो माता निवेदन केवल इतना है कि आप आकर इस मंच और वाणी पर विराजमान हो जाएं ये कार्यक्रम का कारभार भवानी आप संभालें केवल यही निवेदन है माता रानी के चरणों में बिल्कुल बेटे हालांकि वंदन गीत में धुन बताना आवश्यक नहीं है बिल्कुल लेकिन फिल्मी दुनिया वालों ने कुछ धुनियां ऐसी निकाली हैं हाँ बेटे जिनको गाने का बड़ा मन करता है अगर लाइनों को जोड़ा जाए तो माता भवानी की वंदना में भी सेट होती है हाँ बिल्कुल तो कहना क्या कि आ मिल के बाट ले हम
किसी के घाव का मरहम बना दिया। बेजान से पत्थर की तरह पड़ी थी पथ पर मैं, बेजान से पत्थर की तरह पड़ी थी पथ पर मैं, आपने तराश कर माँ मुझे नीलम बना दिया। बहुत धन्यवाद है, देवी स्वरूप है, माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी आशीर्वाद की आकांक्षा रखती हूँ। कहना है माँ, सभी लोग जानते हैं नीलम होता क्या है, तो कहना क्या? चित्त में